पेंसिल और इरेजर बचपन की यादों के वो दो हिस्से हैं दोस्तों, जिन्हें आप चाहकर भी मिटा नहीं पाएंगे। चाहे आपका इरेजर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दोस्तों याद है कैसे जब पेंसिल से लिखने में अगर कुछ गलती हो जाया करती थी तो उसे ठीक करने के काम आता था इरेजर। अलग अलग रंग और खुशबू वाले ये इरेजर उस दौर में काफी एक्साइट किया करते थे। वैसे बचपन में दूध और पेंसिल के छीले हुए पार्ट को मिलाकर इरेजर बनाने का एक्सपेरिमेंट आपने भी कभी ना कभी जरूर किया होगा और शायद असफल भी रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इरेजर दरअसल फैक्ट्री में बनता कैसे है। इरेजर बचपन में हमारे लिए स्टेशनरी के उन जरूरी सामानों में से एक था, जो ना होता तो शायद हमारा होमवर्क अधूरा रह जाता। वहीं खुद बाजार से जाकर खरीदने की जगह अगर हमें ये बर्थडे गिफ्ट या रिटर्न मिल जाता था तो इसे पाने की खुशी भी दोगुनी हो जाती थी। वैसे बचपन में तो हम सभी काफी बेफिक्रे होते थे, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये इरेजर बनता कैसे होगा। तो चलिए आज हम आपको इसकी फैक्ट्री में मेकिंग के बारे में बताते हैं और आपकी उत्सुकता थोड़ी कम कर देते हैं। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इरेजर को बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है रबर, जो कि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों रूप में मिलता है। जहाँ नेचुरल रबर को रबर के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स से बनाया जाता है, वहीं सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि इथाइलीन और स्टाइरीन का यूज किया जाता है। वैसे ज्यादातर इरेजर के मैन्युफैक्चरर सिंथेटिक रबर का ही यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिलता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नेचुरल रबर के मुकाबले ज्यादा होती है। मगर एनवायरमेंटल कारणों से अब मैन्युफैक्चरर्स नेचुरल रबर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में मिली एडवांसमेंट से नेचुरल रबर के रेशो को सिंथेटिक रबर जितना ही मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों बचपन में आपने दुकानों में कई रंग बिरंगे इरेजर देखे होंगे। बता दें कि इरेजर को रंगीन बनाने के लिए ऑर्गेनिक डाई का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर इरेजर को सफेद रंग देना हो तो उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। वहीं अगर इरेजर को लाल रंग देना हो तो उसमें आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है। शायद इसीलिए हमारे टीचर्स और पेरेंट्स हमें इरेजर को मुंह में नहीं लगाने की नसीहत देते थे। रबर को रंग देने के बाद उसको कठोर और लचीला बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए इरेजर में इस्तेमाल हो रहे रबर को सल्फर और हीट ट्रीटमेंट की मदद से कठोर बनाया जाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहा जाता है। वल्केनाइजेशन के बाद इरेजर में इस्तेमाल हो रहे रबर के थर्मोसेटिंग पॉलीमर की प्रक्रिया काफी कठोर हो जाती है और इससे इसकी हीट प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को इलास्टोमेरिक सेटिंग ऑफ रबर भी कहा जाता है। अब बारी आती है कठोर इरेजर को लचीला बनाने की। इसके लिए वेजिटेबल ऑयल्स का यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स के इस्तेमाल से रबर के रेशों में लचक आ जाती है और ये रेशे थोड़े नरम भी हो जाते हैं। टेबल ऑयल्स के नेचुरल सेंट्स या फिर मिलाए गए आर्टिफिशियल सेंट से इरेजर के रबर में एक अलग ही खुशबू आती है। इन सब के अलावा इरेजर को बनाने के लिए कई अन्य इंग्रेडिएंट्स जैसे कि प्यूमिस, सल्फर, फिलर्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इनको बनाने में ऑक्सीलेटर का भी यूज किया जाता है। बता दें कि ऑक्सीलेटर वो पदार्थ है जो इरेजर बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर देते हैं। ये तो थी इरेजर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की बात। आप जानते हैं कि रबर से बनाए गए मिश्रण से इरेजर कैसे तैयार होता है। दरअसल इरेजर बनाने की प्रक्रिया एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जिसमें रोलर्स से लेकर लेथ मशीन, कन्वेयर सिस्टम और लेजर प्रिंटर जैसी एडवांस्ड मशीन का यूज किया जाता है। इरेजर बनाने के लिए सबसे पहले रबर के इस मिश्रण को दो गर्म ब्लेड्स के बीच में डाला जाता है और फिर उस रोलर को बार बार घुमाया जाता है। इस रोलर में घुमाने से रबर के पॉलीमर्स आपस में एक साथ मिक्स हो जाते हैं और रबर की एक शीट तैयार हो जाती है। फिर इसमें सल्फर और एक्सेलरेटिंग एजेंट्स को मिलाया जाता है। बता दें कि एक्सेलरेटिंग एजेंट सल्फर की वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अब बारी आती है डाई की। अब इसमें ऑर्गेनिक डाई मिलाकर इसे कम से कम 10 मिनट तक ब्लेंड किया जाता है। अच्छे से ब्लेंड हो जाने पर इसका मिश्रण में वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है। अब इस मिश्रण को दोबारा रोलर में घुमाया जाता है ताकि ये सही रंग और मोटाई हासिल कर ले। सही रंग और मोटाई हासिल कर लेने पर इस मिश्रण को रोलर से हटा लिया जाता है। हटाया गया ये रबर काफी सॉफ्ट और गर्म होता है, इसीलिए इसे एक दिन तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा और हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब रबर ठंडा और सख्त हो जाता है तब इसे कटाई मशीन से बड़े बड़े रेक्टेंगुलर आकार में काट लिया जाता है। इन कटे हुए टुकड़ों को फिर एक स्टीम प्रेशर में डाला जाता है। स्टीम प्रेशर के इस प्रोसेस को क्यूरिंग प्रोसेस कहा जाता है,
जहां रबर को 20 मिनट तक 160 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। प्रेशर की मदद से रबर और चपटा हो जाता है। वहीं स्टीमर से निकल रही गर्मी इसे सख्त बना देती है। फिर किनारों को काटकर रबर का एक्स्ट्रा हिस्सा हटा दिया जाता है और क्यूरिंग प्रोसेस को रोकने के लिए इसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। फिर कटाई मशीन की मदद से इन इरेजर्स की लंबी लंबी स्ट्रिप्स को छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है। इसके बाद कटे हुए इन छोटे छोटे इरेजर्स को मशीन की मदद से एक बैरल में डाला जाता है, जहां एक कर्मचारी इनमें टार्क मिलाता है ताकि इरेजर आपस में ना चिपके। फिर इस बैरल को अगले 4 से 5 घंटों तक घुमाया जाता है, जिससे सूख कर अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद आखिरी स्टेप होता है इन इरेजर की लेबलिंग और पैकेजिंग का। लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए इन इरेजर्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से लेबलिंग मशीन में लेबल लगाने के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए लेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लेबल में कंपनी और मॉडल नंबर को हर एक इरेजर पर छापा जाता है। इस प्रकार से ये इरेजर अब पैकिंग के लिए तैयार है। इरेजर बनाने के बाद जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो इनकी पैकिंग करना। अक्सर इरेजर की 2 प्रकार से पैकिंग की जाती है। एक तरह की पैकिंग में इरेजर पर पॉलिथीन चढ़ी होती है और दूसरे तरह की पैकिंग में इस पर कागज या गत्ता लगा होता है। पैकेजिंग करने के लिए भी इरेजर को कन्वेयर बेल्ट पर घुमाकर रैपिंग शीट या फिर कागज के गट्टे से रैप किया जाता है। फिर हीट ट्रीटमेंट से रैपिंग शीट या कार्डबोर्ड बॉक्स को इरेजर की सतह पर चिपकाया जाता है और अंत में इस रैप्ड इरेजर को बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक करके इन्हें स्टेशनरी शॉप में भेज दिया जाता है, जहां से सीधे बच्चों के पेंसिल बॉक्स का साथी बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप इन इरेजर्स को बनाने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। क्या आप ऐसे किसी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाले किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सुझाव अपने भविष्य में आने वाली वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी इंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।